जिसने अपने चैनल पे ये काम कर लिया तो समझ लीजिए कि वो अपने चैनल में बहुत जल्दी ही अपना चैनल वो ग्रो कर लेगा। चलिए मैं आज आप लोग को बता। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल में जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूं तो आपके फ़ोन पे मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है तो सबसे अच्छा आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह का आपके वीडियो में व्यूज आएगा और किस तरह के आपके चैनल का सब्सक्राइब बढ़ेगा। मैंने आज इनके चैनल का प्रमोशन किया है क्योंकि ये मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं और मेरा सबसे पहला वॉच यही करती हैं और इनका सबसे पहला लाइक कमेंट इनका ही आता है। तो आप लोग प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करिए। विनीता धार्मिक के नाम से इनका देखिए चैनल, और ये बहुत अच्छा देखिए वीडियो बनाती हैं। और प्लीज़ इनके चैनल को भी आप क्या नाम है लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इनका भी पूरा फुल वॉच आप वीडियो जरूर देखिएगा। इसलिए मैंने आज इनके चैनल का आज प्रमोशन किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को भी अपना चैनल का प्रमोशन कराना है तो सबसे पहले जो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करेगा तो मैं अपने वीडियो में भी आपका भी चैनल का प्रमोशन जरूर करूँगी। अगर आपने ये काम अगर अच्छे से अपने चैनल में कर लिया तो बहुत ही जल्दी आपके चैनल में आपका जो लॉन्ग वीडियो हो चाहे वो शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छा ग्रो करे। सबसे अच्छा तो ये लॉन्ग वीडियो के लिए है, और बहुत अच्छा मैं आपको ये तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरीका का अगर आपने अपना लिया तो आपके चैनल में जिसके यूट्यूबर में 1-2 लाख तो गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आपके चैनल में 1000 या 2000 व्यूज तो पक्का ही पक्का आएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो कि मैं इतना अच्छा थंबनेल टाइटल वगैरह सब कुछ बनाता हूँ या बनाती हूँ फिर भी आपके चैनल में व्यूज और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइब नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए जैसा कि जब आप एक होता है दो तरह का कैटेगरी होता है कि एक ब्राउजर फ्यूजर और दूसरा होता है यूट्यूब सर्च। ये दोनों मेन पॉइंट होता है। एक होता है ब्राउजर फ्यूचर, जब ब्राउजर फ्यूचर में आप किसी का वीडियो जब क्या नाम है यूट्यूब आप जब खोलते हो तो ब्राउजर फ्यूचर में वीडियो ऐसे देखिए करते रहिए, देखिए मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे ध्यान से देखिए मैं कर रही हूँ, जब ये चलता रहता है तो इसमें क्या होता है कि ये जब चलता रहता है इसमें क्या होता है जब ये चलता रहता है उसमें आप ध्यान से देखते हो कि सबका देखिए इसमें आ रहा है पर इसमें आपका भी कहीं शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ब्राउजर फ्यूचर में आपका वो चीज़ आया ही नहीं है जी, आपका चैनल उसमें आया ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यूट्यूब सर्च। यूट्यूब सर्च में जब आप यूट्यूब सर्च में आप जैसे कि इसमें आपने डाल दिया कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, देखा सब्सक्राइबर, जब मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं हमने जब डाला है तो कई सारे देखिए खुल कर आ, जब मैंने किसी एक पे क्लिक किया है तो ये देखिए कई सारे इसी तरह इस टॉपिक में कई सारे वीडियो कई यूट्यूबर क्रिएटर बनाए हुए हैं, इसमें कई सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा सर्च पे भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इतना आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आप का अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक, अच्छे खासे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बताने वाली हूँ उसको आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो प्लीज़ कट मत करिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने अपने चैनल में ये काम कर लिया है तो पक्का आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, और बहुत जल्दी 2-3 दिन में आपको ये सबूत के साथ कह रही हूँ कि पक्का आपके चैनल में ये ग्रो होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप किसी का चैनल खोलते हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का आप जैसे वीडियो बनाए हो, ठीक है, जैसे कुकिंग से रिलेटिव, सिंगिंग से रिलेटिव और डांसिंग से रिलेटेड किसी से रिलेटेड आपने वीडियो बनाया है, ठीक है, फिर जब आप देख रहे हो कि इसी मतलब इन्होंने इस गाने पे वीडियो कुकिंग बनाया है तो इनका अच्छा खासा वायरल हुआ, और सेम मैंने भी जब ये चीज़ बनाया है तो मेरे में क्यों इतना अच्छा व्यूज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया है? देखिए
जब किसी का आप देखकर ही आप वीडियो बनाते ही होंगे, ठीक है, जिसका आप देखकर वीडियो बनाते हो, जिस यूट्यूबर का जिसका बहुत पॉपुलर वीडियो है, जिसका भी आप देखकर बनाते हो, तो उसका वीडियो हो आप देखिए कि वो किस टाइम पर वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, किस टाइम, कोई भी चाहे किसी कैटेगरी का भी वीडियो हो, किस टाइम पर वो वीडियो अपलोड करता है, तो आपको वो टाइम आपको उसका देखना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपने अपने चैनल पे ये कर लिया तो आपको देखना है कि कोई 12 बजे कर रहा है तो कोई वो 2 बजे, जिसका YT स्टूडियो में यूट्यूब की तरफ से टाइम मेंशन रहता है तो वो अपने हिसाब से ही टाइम के हिसाब से ही मेंशन करता है। तो आपको क्या करना है, सेम उसी टाइटल से ही उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन सब आपको देख लेना, ठीक है, सब अच्छे से आपको देख लेना है, फिर उसी से मिलता जुलता आपको भी उसी टॉपिक में ही वीडियो बनाना है, उसी टॉपिक में वीडियो बनाना है। और कब अपलोड करना है, जब वो अपलोड करता हो या करती हो तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 घंटे के अंदर जब वो वीडियो अपलोड करे आप भी सेम वैसे ही वीडियो बना कर रखिए और 8 घंटे के अंदर किसी भी टाइम आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। जब आप सेम जैसा कि उसने बनाया है उसी टाइम पे जब आप भी अपलोड करोगे तो जब उनके में इतना ज़्यादा मिलियन आया तो जाए जाए तो मिलियन में उनका व्यू जा रहा है, जब उसका जब उस यूट्यूबर का जब कोई भी पब्लिक सर्च करके देखेगा उसका जब देखेगा तो तुरंत ही उस आप के तुरंत दूसरे नंबर या तीसरे नंबर जब नीचे भी कर देखेगा तो आपका भी उसमें आपका चैनल भी कंफर्म शो करेगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कंफर्म शो करेगा। अगर उसका व्यू नहीं जा रहा है तो ऐसा नहीं कि फिर उसका कोई देख रहा तो आपका नहीं देखेगा, आपका भी पब्लिक जरूर देखेगा। उसका अगर खोल के देखा भाई जी सेम है तो जब कोई यूट्यूबर देखता है तो किसी एक का ही देख कर तुरंत वीडियो नहीं बनाता, कोई समझता नहीं है, तो ये सोचता है कि सबका एक एक करके वो देखता है, तो उसी में जब आपका भी लाइन से आएगा तो आपका भी उसमें शो करेगा, जब आपका भी देख करेगा तो आपका भी चैनल में भी फिर अच्छे खासे आपके चैनल में भी व्यू जाएगा, समझ रहे ना मैं, आपके चैनल में भी अच्छे खासे फिर व्यू जाएंगे। तो इसी तरह ही आपको बनाना है वीडियो, अगर इस तरह के आपने अपने चैनल में ये काम कर लिया है तो आपके चैनल में बहुत अच्छे खासे फिर व्यूज भी आएंगे, जब व्यूज अच्छे आएंगे तो वॉच टाइम भी आपका 4000 वॉच टाइम बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। बस यही तरीका आपको अपनाना है। बस हाँ कि अपने मन से टाइटल वगैरह कुछ भी मत डालिए, सेम पूरा मिलता जुलता होना चाहिए और जो थंबनेल वगैरह जो उन लोगों ने बनाते हैं उससे भी मिलता जुलता आप सेम वैसे ही पूरा बनाइएगा। सबसे अच्छा तरीका मैंने आज आप लोग को बताया है, क्योंकि और आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी फिर भी आप इतना बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ ही जाते हो कि बताओ इतना अच्छा खासा बनाने के बावजूद बताओ ना व्यूज बढ़ा, किसी में 40 आ रहे, किसी में 50, किसी में 100 व्यूज आ रहा है, तो आप बहुत फिर आपको लगता है अरे हटाओ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी आपके चैनल में व्यूज आ ही नहीं रहे अच्छे खासे। तो सबसे अच्छा तरीका ये सब यूट्यूबर जिनका आखिर जिनका चल गया है तो उनका तो कोई वही नहीं है, जो नए क्रिएटर है, जो छोटे क्रिएटर है, जो अपने चैनल में जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, उनके लिए मैं स्पेशली आज ये वीडियो आप बनाई हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा, अगर आपने कट करके मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप समझ भी नहीं पाओगे कि हमें अपने चैनल में क्या करना है। और बहुत बड़ी बहुत हमने ऐसा वैसा वीडियो बना के नहीं डाला है, आपको बहुत अच्छे तरीके समझाया है और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं फिर से यही चीज़ बता रही हूँ, कुछ नहीं करना है, बस जिस यूट्यूबर का आप देखते हो जिनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उनका आपका अच्छे से ही सबको देख दाग के ही उसी टाइम पर सेम पे भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं जिस टाइम जिसको उन्होंने 12 बजे किया तो आप भी अगर आपने अच्छा कुछ सब कुछ बना के आपने अगर रखा है तो आप भी उसी टाइम पे ही आप भी अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जैसे आपने जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस टाइम उसने डाला ठीक है तो तब तो आपको पता नहीं होता है ना कि हाँ कि ये यूट्यूबर किस टाइम पे डालने वाला है, मतलब पता है टाइम तो पता है आपको पर अभी पता नहीं ना कि क्या टॉपिक में, तो 6-7 घंटा कम नहीं होते आपके पास। आपने जैसे उनका वीडियो देख लिया तो फिर आपको भी टाइम चाहिए, जिस टाइम आप 7-8 घंटे के बीच में 5-10 मिनट का मान लो अगर आप वीडियो उसी से रिलेटिव आप वीडियो बना रहे हो
ठीक है, उसका पहले आप वीडियो देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उस टॉपिक में आप वीडियो बनाकर अच्छे से सेम वैसे ही मिलता जुलता थंबनेल टाइटल वगैरह सब कुछ आप अच्छे से डाल कर, पर आप उसको भी अच्छे से अपना अपलोड वलोड करके वो कहाँ जाता है वैट स्टूडियो में आप रख दीजिए, उसको पब्लिक मत करिएगा, उसको आप अनलिस्टेड ही करके रख दीजिए बस। क्योंकि जब जिस यूट्यूबर का आप देख के डालते हो तो उसका तो आपने सब्सक्राइब करके ऑल करके रखा ही है, तो जाहिर सी बात जब वो डालता है तो आपके वो फ़ोन पे ही तुरंत वो आ ही जाता है, तुरंत आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन उसका आ जाता है, तो आपको वो आपको तुरंत पता चल जाता ही है। जब आपको वो पता चल जाता ही है तो ठीक है, बस आपको उसका अपना टाइमिंग रखना है, जब आपने उसका देखा है तो ठीक है 7-8 घंटे के अंदर आप जाके अपना तुरंत ही वो वीडियो अपलोड कर दीजिए। एक बार को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया है, तब राइट इन्फॉर्मेशन, और ये प्लीज़ आप अपने चैनल में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग।